हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन इनेबल करनी है तो कैसे कर सकते हैं, या आपको अपने फ़ोन के अंदर डुअल स्क्रीन करनी है तो कैसे करेंगे, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो आपको स्प्लिट स्क्रीन इनेबल करने के लिए क्या करना है, जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन में आ जाएँ, पहले जैसे हम सेटिंग में हमें डुअल स्क्रीन इनेबल करनी है तो आपको क्या करना है, थ्री फिंगर से स्वाइप अप करना है ऊपर के लिए। इस प्रकार से यहाँ से देख सकते हैं, थ्री फिंगर स्वाइप अप करते हैं। अब नीचे हमने अपना यूट्यूब खोल दिया। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर डुअल स्क्रीन कर सकते हैं। नीचे हमारा यूट्यूब ओपन है, ऊपर हमारी सेटिंग है। अगर आपको कोई सा एप्लीकेशन छोटा बड़ा करना है तो इस हिसाब से आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं, अगर आपको सेटिंग बड़ी करनी है तो सेटिंग आपकी बड़ी हो जाती है स्पेस में। तो इसे आपको इनेबल करने के लिए क्या करना है, अगर आपको फ़ोन में यहाँ से इनेबल नहीं होना है थ्री फिंगर से, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है, कन्वीनियंस टूल में जाना है, जेस्चर एंड मोशन में जाना है। यहाँ से आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन ऑफ जेस्चर नहीं, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। ये दोनों फीचर मिल जाते हैं, इन्हें आप ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आप थ्री फिंगर स्प्लिट करेंगे, आप अपने आसानी से स्प्लिट स्क्रीन इनेबल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।